My dear student, good morning. I am starting chapter 3 for class 6 in science. The name of chapter is Fiber to Fabric. इसका क्या है हिंदी में सेंस? रेशे से वस्त्र तक. फैब्रिक का मतलब वस्त्र और फाइबर मीन्स रेशे. अब इसमें आप देखते हैं कि वैरायटी ऑफ द क्लोथ. यदि आप देखें अपने चारों तरफ तो आप क्लोथ की अलग अलग वैरायटी देखेंगे. किनकी? किसी की डल एपियरेंस आपको दिखाई देगी, किसी की शाइनिंग एपियरेंस दिखाई देगी, यानी अलग अलग आपको वस्त्र दिखाई देंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि आप बेडशीट देखें तो अलग कॉटन की आपको दिखाई देगी. ब्लैंकेट देखें तो आपको ये जो है एक तरह से सिंथेटिक भी हो सकती है, कॉटन की भी हो सकती है. कर्टेन है, ये भी एक तरह से सिंथेटिक हो सकते हैं या एक तरह से कह सकते हैं कि वुलिन वगैरह के भी हो सकते हैं. टेबल क्लोथ जो या हैंकी वगैरह है या टॉवल है या डस्टर है, ये सब कॉटन के बने होते हैं. इस तरह से जो हमारे क्लोथ के जो मेटेरियल्स हैं वो कॉटन के बने हो सकते हैं या वुलिन के बने हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं. इनके बारे में बाद में जिक्र करेंगे. कॉटन क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है, वुलिन क्या होता है. जनरली आप समझते भी हैं इतना कि कॉटन क्या है, वुलिन क्या है. है कॉटन सूती वस्त्र हो गए, वुलिन ऊनी हो गए, सिंथेटिक संश्लेषित हो गए. यदि हिंदी में आपको बताया जाए. अब बच्चों ये तो हम समझ गए कि डिफरेंट क्लोथ आइटम जो है वो एक ही टाइप के मटेरियल से नहीं बने होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं. या तो सिंथेटिक हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं. है या मीन्स कॉटन वगैरह है, जैसे वुलिन है आदि. अब जो है अलग टॉपिक है 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक. 3.1 का सेंस ये होता है बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में कि थर्ड चैप्टर टॉपिक नंबर 1, थर्ड चैप्टर और टॉपिक है इसमें फर्स्ट पॉइंट के बाद आपका टॉपिक. तो बच्चों यदि आप वैरायटी इन द फैब्रिक बात करें, वैरायटी इन द फैब्रिक बात करें, तो बच्चों यदि हम देखें कि दिस इज द यार्न. क्या है? इससे पहले हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं. ये क्या? यार्न. यार्न को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात खोल करके इसको अनटिश्ड करके है दो भागों. और बच्चों यदि इसको स्ट्रिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग. अच्छा. और इसका मतलब क्या है? यार्न जो है वो दो स्ट्रेन को मिलाकर बना होता है. यदि हमें इस स्ट्रेन को भी अनट्विस्ट करें तो आपको हल्के हल्के छोटे छोटे से रेशे दिखाई देंगे, जैसे ये दिखाई दे रहा है. इनको हम फाइबर कहते हैं. क्या कहते हैं? फाइबर. तो फाइबर जो बहुत ही छोटी संरचना होती है, आप किसी भी क्लोथ को, कॉटन को देख सकते हैं या सिल्क को देख सकते हैं, सभी में ये सब चीजें होती हैं, फैब्रिक होता है. तो टेलिंग शॉप पर जाएं तो कॉटन क्या फैब्रिक निकाल के देख सकते हैं, सिल्क के देख सकते हैं, वूल के देख सकते हैं या सिंथेटिक क्लोथ के देख सकते हैं. अब क्या है कि नेक्स्ट है फैब्रिक. फैब्रिक यानी कि वस्त्र. फैब्रिक इज मेड ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ द यार्न. फैब्रिक जो है यार्न के दो सेटों को व्यवस्थित करने पर बनता है, अर्थात आपस में धागों को मिलाकर के किसका निर्माण होता है? वस्त्र का. यार्न धागे का नाम है और वस्त्र को फैब्रिक कहा जाएगा. फिर इसके बाद में द थिन स्ट्रेन of the thread that we see are made of the still thinner strand called fiber. यानी कि जो आपके ये स्ट्रेंड है, जो पतले स्ट्रेंड है धागे के, उनको और भी यदि हम देखें तो वो छोटे छोटे थिनर स्ट्रेंड के बने होते हैं. है जिन्हें क्या कहा जाता है? फाइबर, जैसा मैंने आपको धागे में दिखाया था बच्चों. अब नेक्स्ट है कि फाइबर जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं. नंबर एक है प्लांट फाइबर्स, यानी कि प्लांट फाइबर्स यानी कि ऐसे फाइबर जो प्लांट पार्ट से बने हुए होते हैं.
प्लांट से बने होते हैं। जैसे आपकी बुक में कॉटन फाइबर्स और जूट फाइबर दो का विशेष जिक्र किया गया है। अच्छा, तो कॉटन एंड जूट आर हजारों वर्ष तक इसी का यूज होता रहा, थाउजेंड्स ईयर दिस वाज यूज्ड, इसका मतलब लॉन्ग टाइम तक यूज रहे कौन से प्लांट फाइबर्स। फिर सेकेंड डाई यानी कि स्टिल लास्ट 100 इयर्स यानी कि पिछले 100 साल से लगभग एनिमल फाइबर का यूज हो रहा है भाई ज्यादा ज्यादा, जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया। देखिए वूल आपको आप बताया जाए कि वूल जो है हमारी एक तरह से एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे कि शीप हो गया भेड़ से प्राप्त होती है, गोट्स बकरी से प्राप्त हो सकती है, कैमल से प्राप्त हो सकती है, याक से प्राप्त हो सकती है, तो एक तरह से अलग अलग एनिमल से वूल प्राप्त हो सकती है। ऐसे सिल्क जो है वो एक इंसेक्ट प्रोडक्ट है जो एक तरह से कोकुन अवस्था स्टेज कौन सी है, कोकुन जो उल्टे अंग्रेजी के आकार की एक संरचना बनाता है एक कीट, और जिससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं सिल्क। बहुत ही महंगा और प्रोडक्ट है बच्चों, कॉस्टली प्रोडक्ट है और इंसेक्ट के थ्रू इसे प्राप्त किया जाता है। अब क्या है, चाहे तो फाइबर प्लांट से प्राप्त हो चाहे एनिमल से प्राप्त हो, ऐसे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल फाइबर्स आर दोज व्हिच आर मेड प्लांट और एनिमल, यानी कि जो फाइबर पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं, प्राकृतिक रेशे कहते हैं। अब इसके बाद में सिंथेटिक फाइबर्स, बच्चों मैं आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताऊं तो देखिए जो मैंने अभी बताया कि सिल्क फाइबर बहुत ही कॉस्टली होते हैं, यानी कि जनरली सभी पर्सन इसको परचेज नहीं कर सकते, इसको परचेज नहीं कर सकते, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए एक मनुष्य ने आप एक कृत्रिम रेशा तैयार किया, अर्थात जिसको सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में जाना गया, यानी ये फाइबर ना तो प्लांट से बनते ना ही एनिमल से बनते, केमिकली इनको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयन हो गया है, तो अलग अलग एक तरह से ये प्रोडक्ट इनसे तैयार किया जाते हैं। पॉलिस्टर की आप शर्ट भी पहनते हैं यूनिफॉर्म में, क्योंकि आज के समय में बच्चों सिंथेटिक फाइबर्स का बहुत ज्यादा प्रचलन है, इनका ज्यादा एक तरह से ये पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेबल भी होते हैं, कॉस्टली भी नहीं होते बच्चों है। और एक समय ऐसा था कि कॉटन बहुत ही चीप होता था है, इसकी कल्टीवेशन भी ज्यादा होता था, फसल भी बहुत तैयार की जाती थी, और आज का समय हो गया कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कॉटन से भी सस्ते हो गए हैं, चीफ है, इसलिए लोग इनको प्रीफर कर सकते हैं, ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, इजी मेंटेन करना होता है इनका है, ज्यादा प्रेस की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सिंथेटिक फाइबर का यूज जो है वो जनरली बहुत ज्यादा बढ़ गया है बच्चों। दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो, थैंक यू। और बच्चों आपके लिए सलाह यह है कि आप वीडियो जरूर देखा करें ताकि आपका कोर्स टाइम टाइम पर कंप्लीट होता रहे। थैंक यू।